क्या वापस से भारत सरकार या भारतीय सेना बांग्लादेश में कोई मिलिट्री एक्शन ले सकती है? भारत को अपनी सीमाओं पर कड़ी से कड़ी नजर रखनी होगी और वहाँ पर मानवाधिकार का चश्मा एक तरफ रखना होगा, नैतिकता का चश्मा एक तरफ रखना होगा। वो नॉर्थ ईस्ट की जो बेल्ट है जिसे चिकन नेक कहा जाता है, उसमें बांग्लादेश का क्या अहम रोल था और अब उस पर किस तरह से क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं? जहाँ जहाँ पर स्टेबिलिटी है, शांति है, वहाँ डिस्टेबलाइज करो और वहाँ फिर अपनी आर्मी भेजो और आर्मी भेज करके वो रेवेन्यू कमाओ और सुपर पावर बने रहो। और प्रो चाइना है तो अब जो गवर्नमेंट बनती है, भारत का उस पर क्या स्टैंड होना चाहिए, भारत का रुख क्या होना चाहिए और कैसे बांग्लादेश से टैकल किया जाना चाहिए? भौगोलिक समीकरण बदला 1971 में और ये बात आज तक इस्लामाबाद और बीजिंग को पसंद नहीं आता है। भारत के कई राज्य बांग्लादेश से सटते हैं और कई सीमाएं टक्कर खाती हैं, अपना कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पाते हैं, लेकिन दुनिया भर की ठेकेदारी लेता है अमेरिका। नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक प्रजापत। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का तख्तापलट हो चुका है। भारत समेत पूरी दुनिया की बांग्लादेश पर पैनी नजर है। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संदीप त्रिपाठी जी, जो विदेश नीति के जानकार हैं। संदीप जी, इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहला सवाल सर, बहुत गंभीरता के साथ इस पूरे विषय को देखा जा रहा है, सबसे पहला सवाल ये रहेगा, शेख हसीना जब 2009 में सत्ता में आई तब बांग्लादेश का आर्थिक विकास तेजी से चला था और बावजूद इसके 15 साल उनकी सरकार को रहे और अब तख्तापलट हुआ है। जी, आपने सही कहा दीपक जी, यही चीज़ जो दुनिया की ताकतें हैं, स्पेशली मैं चाइना और यूएसए की बात करूं, तो उनको ये बात कहीं नहीं पची कि भारत का जो पड़ोसी मुल्क है, जिसकी सीमाएं भारत की 5 राज्यों से मिलती हैं, जिसका अपना एक सांस्कृतिक ऐतिहासिक संबंध रहा है, जिसके सृजन में भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उस कॉन्टेक्स्ट में दुनिया की जो ताकतें हैं, सुपर पावर जो है अमेरिका और चाइना, इनको बात बर्दाश्त नहीं हुई कि भारत किस तरीके से बांग्लादेश के साथ इतना अच्छा ट्रेड कर रहा है। मैं आपको बता दूं, पूरे सब कॉन्टिनेंट में बांग्लादेश इज द लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर ऑफ इंडिया। संदीप जी, मेरा सीधा सवाल आपसे ये रहेगा, अमेरिका जो दुनिया भर की ठेकेदारी लेता है, वो कहता है कि बांग्लादेश पर हम नज़र बनाए हुए हैं, श्रीलंका पर नज़र बनाए हुए हैं, पाकिस्तान पर नज़र बनाए हुए हैं, अमेरिका केवल नज़र ही बनाता है क्योंकि अपने देश पर तो उसकी नज़र रहती नहीं है। अभी देखा कि पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर गोली चली, अपना कैंडिडेट डिसाइड नहीं कर पाते हैं लेकिन दुनिया भर की ठेकेदारी लेता है अमेरिका। देखिए, अमेरिका का इतिहास रहा है कि वो दूसरे देशों के पॉलिटिकल सिस्टम को डिस्टेबलाइज करता है। आप पूरे मिडिल ईस्ट को देख लीजिए, 1970 से लेकर आज तक मिडिल ईस्ट में जो क्रिएटिक सिचुएशन, आप रशिया यूक्रेन वॉर को देख लीजिए कि यूएसए हैज बीन अ फ्यूलिंग फैक्टर टू फ्यूल द क्राइसिस ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। आप दूसरी तरफ एशिया पर देख लीजिए कि शुरू से बीजिंग और इस्लामाबाद को वॉशिंगटन डीसी हमेशा पुशअप करता रहा है भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए। ये पूरा कोल्ड वॉर हिस्ट्री में हमने देखा। जब बांग्लादेश एक ऐसा देश है जो भारत के मुहाने पर है, जो साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे कहा जाता है, कि अमेरिका का जब लोकतंत्र, जो वहाँ डांस ऑफ डेमोक्रेसी जिस तरीके से हम वहाँ देख रहे हैं कि वहाँ का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को गोली मारी जाती है, exactly. वहाँ पर उनका अभी कैंडिडेचर फिक्स नहीं हुआ है, वहाँ पर इतनी एट्रोसिटीज़ होती है, वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, उस अमेरिका को क्या ये मॉरल राइट है, क्या वो नैतिक अधिकार रखता है कि दुनिया के दूसरे देश में लोकतंत्र की पाठ पढ़ाए? जहाँ जहाँ पर स्टेबिलिटी है, शांति है, वहाँ डिस्टेबलाइज करो और वहाँ फिर अपनी आर्मी भेजो और आर्मी भेज करके वो रेवेन्यू कमाओ और सुपर पावर बने रहो। ये अमेरिका की जो हिस्ट्री रही है डिप्लोमेटिक। अमेरिका, चीन और पाकिस्तान ने मिलकर के साजिश रची कि बांग्लादेश को तख्तापलट किया जाए। इसके पीछे रीजन सिर्फ और सिर्फ शेख हसीना थी। शेख हसीना के भारत के साथ संबंध बेहद मधुर हैं। प्रधानमंत्री ने खुद भी बताया कि वो उनकी माँ के लिए साड़ी भेजती हैं, मिठाइयाँ भी भेजती हैं। ऐसे में क्या चीन और पाकिस्तान और उसके बाद अमेरिका को मिर्च लगी? भारत अपने पड़ोसी देशों को या दुनिया के जो अपने अच्छे मित्र हैं उनको लाइन ऑफ क्रेडिट देता है, चीन उनको लोन देता है, और लोन और लाइन ऑफ क्रेडिट में अंतर यह है कि भारत कहता है कि आप अपना विकास कीजिए, आप पर कोई बाध्यता नहीं है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा नहीं होगा, हम अपने कर्ज के जाल में नहीं फंसाएंगे। और वहीं पर चाइना के जो विस्तारवादी नीति है, जो एक्सपेंशनिज्म है चाइना की फिलॉसफी में, वो डिप डेप्ट की पॉलिसी है, आप कर्जा लीजिए,
कर्जा जब नहीं चुका पाएंगे तो हम आप पर कब्जा करेंगे, पोजीशन लेंगे। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट है, इसका अच्छा एग्जाम्पल पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है, इसका एग्जाम्पल जो बहुत ज़्यादा सी जिनपिंग को अशांत कर रहा था वो ये था चटगांव पोर्ट, क्योंकि चटगांव पोर्ट को भी हाल ही में बांग्लादेश ये अनुमति दे दी थी कि अब इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं शी जिनपिंग के टोन में टोन शेख हसीना की नहीं मिल रही थी, और यही कारण है जब हम देखते हैं कि अभी हाल ही में वो जब भारत आती हैं तो एक बहुत गर्मजोशी से उनका स्वागत किया जाता है, और उसके बाद तुरंत वो चाइना जाती हैं। बीजिंग पर उनकी 5 दिनों की यात्रा में 4 दिन खत्म हो जाती है और उनको रेड कारपेट वेलकम नहीं मिलता है। जो भारत का पड़ोसी देश है वो पहले से ही अशांत है, हम पाकिस्तान को देख ही रहे हैं कि वहाँ सिचुएशन क्या है, वो परपिचुअल सिचुएशन वहाँ पर कैसी रहती है। श्रीलंका को 2022 में हमने देखा, 2021 में हमने अफगानिस्तान को देखा, म्यांमार पर मिलिट्री कुप होते रहते हैं। तो आप ये देखिए कि नेपाल का जहाँ तक इशू है, नेपाल का जो पोजीशन बहुत इनकंसिस्टेंट रहता है, वहाँ पर कंसिस्टेंसी नहीं है नेपाल को लेकर के, कभी प्रो चाइना कभी प्रो इंडिया। तो एक तरह के बांग्लादेश एक ऐसा था जो बैलेंस कर रहा था चाइना को और भारत को, दोनों को, और इसीलिए भारत उसका एक अच्छा ट्रेड पार्टनर था। आपको ये बता दूं कि 34% जो हमारा कॉटन एक्सपोर्ट है वो बांग्लादेश को जाता है, तो बांग्लादेश फल फूल रहा था, बांग्लादेश आर्थिक विकास के राह पर था। और मुझे लगता है ये सब चीज़ें सुपर पावर्स जो महाशक्तियाँ हैं, जो चाइना स्पेशली मैं चाइना की बात करूँगा, उसको रास नहीं आ रहा था। तो देखा जाए तो 70 के दशक में, या मैं कहूँ तो आप मेरे को करेक्ट करना, 1975 में शेख हसीना भारत आई और इंदिरा गांधी ने उनको जगह दी, शरण दी। अब भारत की विदेश नीति क्या कहती है, क्योंकि सवाल उठने स्टार्ट हो गए हैं कि बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है, बांग्लादेश को हैंडल करने दीजिए, और कई तरह के लोग ये भी कहना स्टार्ट कर दिया है कि हम क्यों शेख हसीना के साथ खड़े हैं, हम क्यों बांग्लादेश के साथ खड़े हुए, जब बांग्लादेश ने अनकंडीशनल सपोर्ट इंडिया को दिया और जब इंदिरा गांधी ने शेख हसीना को भारत में शरण दी, तो क्या भारत का दायित्व नहीं बनता है कि आज बांग्लादेश के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हो और बांग्लादेश के लोगों की मदद करे? देखिए, तो मैं कुछ फ्लैश पॉइंट करें, इतिहास में आपने इतिहास का जिक्र किया है, तो अगस्त 1975 का वो दिन था जब वो जर्मनी से भारत की सरकार, तत्कालीन इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, उन्होंने वहाँ से बुलाया था। वो हुआ क्या था कि 15 अगस्त को 1975 को शेख हसीना के पिताजी, जो वहाँ के फाउंडर जनक कहे जाते हैं पाकिस्तान बांग्लादेश के, उनका असैसिनेशन हुआ था, उनके सारे परिवार के लोगों को वहाँ की आर्मी ने मार दी थी। तो उनका जो किलिंग हुआ, तो उस क्राइसिस में, उस ऐसे जो गुरुत्व में इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या किया कि उनको जर्मनी से भारत बुलाए और ना भारत में उन्होंने शरण दिया, बल्कि वो काफ़ी लंबे टाइम तक भारत में रहे। तो यदि उनकी उस समय हमने उनकी रक्षा की थी, और भारत ये जानता है कि देखिए बांग्लादेश के सृजन में भारत का योगदान था, भारत ने इतिहास नहीं रचा, भारत ने भूगोल बदला, भारत ने भौगोलिक समीकरण बदला 1971 में, और ये बात आज तक इस्लामाबाद और बीजिंग को पसंद नहीं आता है। कहते तो लोग हैं कि ये एंटी रिजर्वेशन मूवमेंट था, कोटा मूवमेंट था, छात्रों का मूवमेंट था, लेकिन क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री के ऑफिस में जाकर के जिस तरीके से ऑफिस को तोड़ा गया, जो जो वहाँ की फुटेज देखने के मिलता है, ये छात्र आंदोलन का नजरिया नहीं होता है, ये दिशा नहीं होती है, ये तो कम्प्लीटली डिसरप्शन था, कम्प्लीटली पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि कूप था। आपको क्या लगता है कि 1970 की तरह, 71 की तरह, क्या वापस से भारत सरकार या भारतीय सेना बांग्लादेश में कोई मिलिट्री एक्शन ले सकती है? अभी कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक बता दें कि संदर्भ और समय अलग अलग होता है, ये 1971 का समय नहीं है, 2024 का समय है, और ना मुझे नहीं लगता कि भारत इस तरह के निर्णय लेगा कि अपनी सेना वहाँ भेजे। हम डिप्लोमेसी के थ्रू, भारत सरकार अभी भी वहाँ की सेना के संपर्क में है, एक डिप्लोमेटिक चैनल होता है, उसके थ्रू भारत सरकार ये कोशिश करेगा कि वहाँ पर पुनः जो रिस्टोर हो, ऑर्डर रिस्टोर हो, शांति बने, और वहाँ पर जो भी घटनाक्रम चल रहा है उस पर भारत सरकार की नज़र है। और भारत सरकार, भारत अपने आप में इतना कैपेबल है, मेच्योर है, हमारे डिसीजन जो मेकर्स होते हैं मेच्योर हैं, किस चीज़ को संभालेंगे। तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरह के सेना को भेजने की ज़रूरत है, ना कोई किसी तरह के वॉर, ऐसा कोई आशंका नहीं है। जब नरेंद्र मोदी सरकार में आए,
तो उन्होंने नेशन फर्स्ट की पॉलिसी भी रखी लेकिन नेबर फर्स्ट की भी पॉलिसी रखी। उन्होंने देखा जाए तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जितने भी पड़ोसी मुल्क थे सब लोगों के साथ एक मधुर संबंध बनाए, और उनकी पहली विदेश यात्रा तो भूटान थी, वो हम कैसे भूल सकते हैं। तो बांग्लादेश भी तो कभी ना कभी भारत का हिस्सा रहा था, पाकिस्तान जो 1947 में अलग हुआ उसके बाद वो भारत भी भारत का हिस्सा था, लेकिन शेख हसीना ने वहाँ पर देखा जाए तो भारत में घुसपैठिए जो आते थे उस पर भी रोक लगाई, ट्रेड बनाया, एक विदेश नीति के तहत मिल करके काम करने की कोशिश की। बावजूद उसके शेख हसीना को इस तरह के हालात से गुजरना पड़ा कि उन्हें वहां से इस्तीफा देकर के निकलना पड़ा। देखा जाए तो 5 दिन में इस्तीफा हो गया। देखिए यदि उनके बेटे का आप इंटरव्यू देखे, वो कह रहे थे कि शी इज वेरी सॉफ्ट, बहुत सॉफ्ट हैं, क्योंकि वो ऐसी लीडर थी जो कम्प्लीटली बांग्लादेश को रिस्टोर किया, वहाँ के इकॉनमी को, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को, वहाँ के आप देखिए टेक्नोलॉजी को, तो एक सिविल सोसाइटी इमर्ज कर रहा था। और साउथ एशिया पर हमेशा सुपर पावर्स का इंटरफेरेंस ये रहा कि साउथ एशिया अशांत रहेगा तो उनके जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है पूरे होते रहेंगे। और साउथ एशिया इस समय थोड़ा सा आप देखें कि उसमें से भी आप बांग्लादेश को ही देखें तो पिछले 15 सालों से उस तरह के बहुत अपहीवल्स नहीं हुए, उठापटक नहीं हुई। आप मैंने आपको अफगानिस्तान का नाम लिया, अफगानिस्तान से अमेरिका क्यों भागा? अफगानिस्तान पर तो रिस्टोर करने आए थे, कुछ तालिबान को ख़त्म करने आए थे, आप 2030 में वहाँ से भाग कर निकल गए, ये क्या हुआ, आपकी क्या पॉलिसी थी? आप श्रीलंका पर देखिए, श्रीलंका पर क्या हालत 2022 में हुई कि वहाँ की क्या कंडीशन हुई, और पाकिस्तान का तो आप देख ही रहे हैं कि क्या वहाँ की पोजीशन है, कि उसके हालात कैसे हैं। तो एक्चुअली क्या है कि साउथ एशिया में भारत की जो भूमिका है, भारत का जो इमरजेंस है, इंडिया इज़ राइजिंग पोजीशन, ये बात जो है किसी को पच नहीं रही है, डाइजेस्ट नहीं हो रही है। और वो इसलिए भी कि आप देखिए कि जितने भी ग्लोबल प्रेसिंग इश्यूज हैं, भारत की अपनी एक आवाज़ होती है, उस आवाज़ में स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी की धुन होती है, सामरिक स्वतंत्रता का फिलॉसफी होती है। भारत के कई राज्य बांग्लादेश से सटते हैं और कई सीमाएं टक्कर खाती हैं, जैसे देखा जाए कि पश्चिम बंगाल की बात करें, त्रिपुरा की बात करें, मेघालय की बात करें, तो वो जो एरिया है वो बहुत सेंसिटिव है। उस एरिया में वापस से कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत सारे शरणार्थी भारी मात्रा में भारत आने की कोशिश करेंगे, उस समय भारत को अपनी सीमाएँ भी सुरक्षित रखनी है और ऐसा भी करना है कि किसी निर्दोष की जान ना जाए। देखिए सबसे पहले ये क्लियर करते हैं कि मैंने हमेशा कहा है कि विदेशी नीति में जो सीमाएं होती हैं, जो बॉर्डर्स होते हैं, वो आपका एग्जिस्टेंशियल आइडेंटिटी होती है या आपकी अस्मिता की पहचान होती है। कितना भी ग्लोबलाइजेशन क्यों ना जाए, लेकिन यदि आपकी सरहदें महफूज हैं, यदि आपकी सीमाएं सुरक्षित हैं, तो आप सुरक्षित हैं। तो भारत को अपनी सीमाओं पर कड़ी से कड़ी नज़र रखनी होगी और वहाँ पर मानवाधिकार का चश्मा एक तरफ रखना होगा, नैतिकता का चश्मा एक तरफ रखना होगा। हमारी आप किसी भी कोने से ले लीजिए, चाहे मैरिटाइम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू ले लीजिए, चाहे आप उसे जो लैंड एरिया देख लीजिए, आपके चारों तरफ के जितने भी पड़ोसी देश हैं सब में कहीं ना कहीं क्योटिक सिचुएशन बनी हुई है। ऐसे में सबसे बड़ा कर्तव्य यही है, प्रियोरिटी यही है कि वहाँ पर आइडियलिज्म का पोस्चर मत आए। जिस दिन आइडियलिज्म का पोस्चर आप लाए, आप समझ लीजिएगा कि फिर उस दिन स्थिति को संभालना बहुत मुश्किल हो जाए। भारत की अगर बात करें तो भारत जो अब बांग्लादेश में जो नई गवर्नमेंट बनेगी वो पूरी तरह से एंटी भारत है और प्रो चाइना है। तो अब जो गवर्नमेंट बनती है, भारत का उस पर क्या स्टैंड होना चाहिए, भारत का रुख क्या होना चाहिए और कैसे बांग्लादेश से टैकल किया जाना चाहिए? देखिए ये तो मैं कहूँगा कि यदि आप हिस्टोरिकल लेंस से बात करेंगे तो इसके पहले की जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी रही है, खालिदा जी की पार्टी, तो दैट पार्टी हैज़ नॉट बीन प्रो इंडिया, इंडिया के फेवर में नहीं था, उसका अपना प्रो चाइना स्टैंड नजर रहा है। तो यदि आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट उतनी प्रो में नहीं रहेगी जो हसीना गवर्नमेंट थी, लेकिन हम कह नहीं सकते हैं, इतना में ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट आएगी तो वो भारत के साथ अच्छे संबंध रहेगी, कंटिन्यूटी को मेंटेन करेगी। तो ये देखना होगा आने वाले दिनों में कि क्या स्वरूप लेता है। प्रो चाइना जो गवर्नमेंट बनेगी उससे भारत का सीधे मायने में देखा जाए तो क्या नुकसान हो सकता है, क्या व्यापार में हमारा नुकसान हो सकता है या पड़ोसी एक खतरा भी पैदा कर सकते हैं? बड़ा अच्छा आपका सवाल है।
आप दो बार प्रो चाइना का जिक्र किए हैं और इसका मुझे बड़ा बड़ा अच्छा एग्जांपल आप हमारे सामने ही है मालदीव का। मालदीव का मौजूद साहब जब आते हैं तो ऑल आउट इंडिया का उन्होंने नारा दिया, इसके बाद वो सत्ता पर आ जाते हैं। सत्ता के आने के बाद उनकी जो प्रायोरिटी थी, जो उनके स्लोगन्स थे, उन्होंने तुरंत इम्प्लीमेंट भी करने लगते हैं। ऑल आउट का नारा दिया और इंडिया ने अपनी सेना वहाँ से वापस की और एक एग्रेसिव पोस्चर लेते हैं। इंडिया रिटेलिएट भी किया उसी हिसाब से और फिर आपने देखा कि मौजूद साहब फिर से कोशिश कर रहे हैं कि भारत को हम पूरी तरीके से इग्नोर न करें। और इवन ये भी सुनने में आया है कि वो उनकी जो टोन है थोड़ी डाउन हुई है। तो विदेशी नीति में आज की ग्लोबलाइजेशन के दौर में जहाँ पर आपकी इंटरेस्ट जो है मल्टीपल अलाइंड हैं, आप एक कंट्री पर डिपेंड नहीं रह सकते हो। और ये छोटे छोटे देश भी जानते हैं कि चाइना की जो डेट ट्रैप पॉलिसी है, कर्जा की जाल की जो पॉलिसी है, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम इंडिपेंडेंट नहीं रह पाएंगे और चाइना का जो एक्सपेंशनिज्म है वो उससे भी वाकिफ होंगे। तो मुझे नहीं लगता और भारत कैपेबल है कि आने वाले जो भी सिचुएशन बनेगी उसमें डिप्लोमेटिकली हम जो भी खालिदा जी की सरकार बनती है तो हमारी एफर्ट यही रहेगी कि हम डिप्लोमेटिकली इंगेज करें और भारत के बांग्लादेश को ऐसा सेंटर न बनाए जो एंटी इंडिया सेंटीमेंट वहाँ पर पनपे। तो ये हमारी डिप्लोमेसी का होगा, सवाल होगा और आई एम श्योर कि वी आर मच कैपेबल टू हैंडलिंग बांग्लादेश। तो भारत में देखा जाए तो सर नॉर्थ ईस्ट की जो बेल्ट लगती है इंडिया में, उसमें बांग्लादेश का क्या रोल रहा था, किस तरह से वो नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट, क्योंकि अगर किसी और कंट्री की अगर हम बात करें तो किसका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता था, लेकिन अगर बांग्लादेश की बात करें तो वो नॉर्थ ईस्ट की जो बेल्ट है जिसे चिकन नेक कहा जाता है, उसमें बांग्लादेश का क्या अहम रोल था और अब उस पर क्या, किस तरह से क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं? देखिए दीपक जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि जब ये क्राइसिस हमारे सामने है और हमने देखा कि पिछले 2009 से कंटिन्यू भारत क्या किया कि कनेक्टिविटी को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के बांग्लादेश से अच्छा संबंध स्थापित करने की कोशिश। तो मैंने अभी जिक्र भी कहा था कि अखरौला अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेलवे लिंक, ये अपने आप में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो अल्टरनेट देता है चिकन नेक का, जिसे हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं। भारत को और पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ने का एक ही मार्ग भी था जिसको हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहते हैं और वो 22 किलोमीटर का रास्ता है। ये स्ट्रेटजिकली सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर चाइना की हमेशा नज़र रहती है। डोकलाम जब इशू हुआ था, हमने देखा था कि चाइना वहाँ तक भूटान तक पहुँचाया था और ये बात डोकलाम भूटान की बात थी, लेकिन भारत को लगा था कि कहीं चाइना इसको डिस्टर्बलाइज न करे तो भारत ने रिटेलिएट किया। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि बांग्लादेश का सामरिक महत्व बहुत है भारत के लिए और जब कंट्री का सामरिक महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे मैंने कनेक्टिविटी की बात की, तो वहाँ पर तो फिर हिंदुस्तान अपनी डिप्लोमेसी और अपने सारे फ्रंट खुले रहते हैं कि हमें प्रोटेक्ट करना है। तो बात बांग्लादेश की थी, बांग्लादेश की सिचुएशन पर भारत को पैनी नज़र बनानी होगी और एक मजबूत कदम भी उठाना होगा क्योंकि बांग्लादेश हमारा पड़ोसी मुल्क है। ये थे हमारे साथ संदीप जी, जिन्होंने विदेश नीति पर कई सारी बातें बताई और आगे भारत का क्या स्टैंड हो सकता है उस पर भी कई सारी चीज़ें बताई। कैमरामैन चंद्र प्रकाश के साथ दीपक प्रजापत, इंडिया टीवी।